हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाइफिस्टडी स्टूडियोज विच इज पार्ट ऑफ अकेडमी। तो लंबे समय के बाद, यानी 2 या 3 दिन के बाद फिर से हम लोग मुखातिब हुए हैं यूट्यूब के सेशन पे। जैसा कि आज हमने स्पेशल क्लास लगाई थी सुबह 10 बजे, जो आपका 10 बजे सुबह होता है। मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही होगी तो जस्ट यस सर दिखाना, थंब दिखाना बिल्कुल, सर आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। तो फिर से आज वही सिलसिला शुरू करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग एनालिसिस में देखते थे। एनालिसिस आपकी 4:30 बजे होती थी पहला, और दूसरा 7 बजे। लेकिन आज 10 बजे लगाने के पीछे रीजन यही था कि मैं लेट पहुंचा, तो इस कारण से आपकी क्लास 4:30 बजे नहीं हो पाई है, है ना। चलिए देखिए, शुरुआत करें क्लास की आज, कि आज कैसा कैसा सवाल पूछा है रेलवे ने। जय माता दी। आज देखें कि रेलवे कैसा कैसा सवाल पूछा है आपके पेपर में, है ना। तो आरआरबी एनटीपीसी 5 फरवरी 2021। अच्छा, 5 फरवरी से कुछ याद आता है? 5 फरवरी से इतिहास में कुछ याद आता है आपको? याद आ रहा है कुछ? मुझे तो याद आ रहा है। टाइम वही रहेगा, परेशान मत होना, टाइम वही रहेगा। 5 फरवरी से याद आया, 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, याद होगा आपको। यही 5 फरवरी का वो दिन होगा जब ये घटना घटी थी। यानी कह सकते हैं आज से 100 साल पहले, क्योंकि जब 2022 आएगा तो ये 100 साल हो जाएगा पूरा। यानी आज से 100 साल पहले घटना घट चुकी है। दैट मीन्स उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होगा, और क्या एक मूवमेंट आया होगा, एक पॉइंट, जो ये घटना का, इस घटना को अंजाम दिया गया है। आई बातें समझ में? चलिए तो देखिए, शुरुआत करें कहानी आज की, कि क्या अब ये टीम जिनका CBT 1 होता जा रहा है वो बिल्कुल ध्यान से समझना, CBT 2 जरूर टारगेट करना, क्योंकि CBT 2 में आपको 50 सवाल देखने को मिलेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे CBT 2 में, 50 क्वेश्चंस। और ग्रुप डी में भी भाई GS का खमाल है, क्योंकि GS आपका टाइम कम लेता है। तो रेलवे का जो सब्सक्रिप्शन फी था, मैं आपको बता दूं कि बहुत कम की गई है रेलवे फी। 1 साल का बच्चे मात्र 3000 किया गया, 2 साल की फी मात्र 3600 किया गया है। जैसा प्रेफर कोड यूज कर तो BA BA 10, ये घटकर 10% और कम हो जाएगा। लेकिन SSC MTS वैकेंसी भी आ गई है, तो आप MTS भरना मत चूकना, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हो तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या स्टेट लेवल एग्जाम, आसानी से क्रैक कर सकते हो। तब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो SSC में, जहां पर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, है ना। सवाल नंबर 1 पूछा है कि सर यूनिडू UNIDO का हेडक्वार्टर क्या होगा? सवाल नंबर 1 जरा बताएं क्या होगा, जल्दी। जल्दी क्या होगा भाई? सवाल नंबर 1, यूनिडू का मुख्यालय की बात करें वियना ऑस्ट्रिया, UNIDO का मुख्यालय क्या होगा? बताओ क्या होगा? देखो कि वियना ऑस्ट्रिया, अगर मैं UNIDO की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, फुल फॉर्म क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ये क्या है भाई? कि एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। आपको बता चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की संख्या कितनी है? 15 स्पेशल एजेंसी है। कितने? 15 स्पेशल एजेंसी है।
तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को किया गया। इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया हैं और डायरेक्टर जनरल कौन है? लियोंग। कौन है डायरेक्टर जनरल? लियोंग इसके डायरेक्टर जनरल होंगे। ठीक है, आगे देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार या मॉडल क्या था? तो याद होगा आपको, मैंने 5 ईयर प्लान और सेंसिस पिछले वीक पढ़ाया था, यानी दोनों 5 ईयर प्लान और सेंसिस दोनों कराया। अब देखो, इस वीक में रेलवे ने 5 ईयर प्लान से कई सारे सवाल पूछे हैं, जिनमें से पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, आधार क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें 1951 से 56 जो हैरड डोमर मॉडल पर था, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरड डोमर मॉडल किस पर जोर दिया गया? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे जोर दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जोर दिया गया। किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे जोर दिया गया, बिल्कुल याद रखना। दूसरे की बात करें, सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, तो पीसी महलनोबिस एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई, जो हमने यूएसएसआर या रशिया से उठाया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? हमेशा प्रधानमंत्री। तो इसे हटा दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है, नीति आयोग की स्थापना की गई है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, आगे देखो, K2 की ऊंचाई यानी काराकोरम की हाइट पूछी गई है, काराकोरम की हाइट पूछी गई है। तो काराकोरम की हाइट कितनी होगी? 8611 मीटर काराकोरम की हाइट। तो अगर मैं बात करूं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, नो डाउट, लेकिन ये कहां? अभी पीओके में है, अभी ये कहां है? पीओके में। और अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की हाइट की, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितने? 8846.86 मीटर है ये हाइट है किसकी? तो माउंट एवरेस्ट की। अब देख सकते हो कि K2 यहां पे कंचनजंगा जिसकी हाइट 8586 मीटर है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मोदी जो कहां? केरल में है। कहां है ये? केरल में है। कहां है भाई? केरल में है। क्लियर भाई? अरे बात समझ में। अब यह कई आपको माउंट चोटी दिख रही होंगी, कई सारे चोटियां दिख रही होंगी आपको। गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। पार्शनाथ की बात करें, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। नौकरेक की बात करें तो आप ये देख सकते हो, सारामती देख सकते हो, ब्लू पीक देख सकते हो, जो कहां? आपका पूर्वोत्तर भारत में। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी किसकी? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। माउंट हैरियट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा होगा? माउंट हैरियट। कई सारे ऐसे चोटी हैं जो सवाल बनते हैं आपके, कई सारे ऐसे चोटी हैं जो आपके सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? गांधी जी को भाई, जो पिछला वाला छूटा है वो कल शाम को 6 बजे इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, परेशान मत होना। ठीक है, कुछ सवाल आपको आज देखने को मिलेगा, जरा बता दो क्या होगा। तो बच्चे ये देखो, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आर एन टैगोर ने। सवाल क्या पूछा पता है? सवाल पूछा है कि महान आत्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा यानी महान आत्मा, महात्मा यानी इसका अर्थ क्या होगा? महान आत्मा। क्या इसका अर्थ होगा? महान आत्मा, जो आर एन टैगोर ने दिया था। आर एन टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है, गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दी है। किसने दी भाई? गांधी जी ने दी है, बिल्कुल याद रखना। तो महात्मा जिसका अर्थ होता है एक महान आत्मा, को अक्सर पश्चिम में गांधी जी का नाम दिया गया माना जाता है। किसने दिया? कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिसे 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए,
अपने आत्मकथा लिखते 1915 में, लेकिन ये फेमस कब हुआ? ये फेमस होता है 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है? ठीक भाई, आगे देखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको काम देगा, महात्मा यानी संत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 में फेमस किया गया। फिर आप देख सकते हो मलंग बाबा या नंगा फकीर कहा गया, किसके द्वारा? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की कबीलाइयों द्वारा, कबीलाइयों द्वारा। फिर आप देख सकते हो भारतीय फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा 1931 में। अर्धनग्न संत किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस 1944 में कहा। क्लियर है? क्लियर है भाई, समझ में आ गया? बच्चे जिनका फोर्थ पेज में नहीं आया है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका फिफ्थ पेज में होगा, ठीक है? आगे देखो, गुजरात में सिंधु घाटी स्थल पूछा गया कि कौन सा स्थल गुजरात में है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल गुजरात में है, तो बता सकते हो क्या? बता सकते हो, बता सकते हो कि गुजरात में कौन कौन सा वो सिंधु घाटी स्थल होगा? कुछ बता दो जल्दी। देखो सबसे पहले लोथल, तो लोथल क्यों फेमस है? पोर्ट टाउन, सबसे पुराना सबसे बड़ा बंदरगाह, बिल्कुल सही। फिर आपका चावल के साक्ष्य मिलते हैं, फिर अग्निवेदिका, अग्निवेदिका। लेकिन अगर यही पूछता है अग्निवेदिका की श्रृंखला, तो कालीबंगन। अगर अग्निवेदिका की श्रृंखला पूछता है, सीरीज पूछता है, तो कालीबंगन जो राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान में है, कालीबंगन राजस्थान में है, है ना भाई? फिर कब्रिस्तान, तांबे के कुत्ते, सुरकोटता भी है जो एकमात्र घोड़े का साक्ष्य, घोड़े की हड्डी पाई गई है, है ना? आगे देखो, तो ये देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, आप इमेज में देख सकते हो कि कहां ये धौलावीरा भी है और सुरकोटता भी है, धौलावीरा भी है, क्या धौलावीरा, धौलावीरा भी है कहां? गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में, बिल्कुल याद रखना। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहां पाए गए हैं? जल्दी, तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क की बात करें तो द मुद्दुमलाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। ये तीन राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन? कर्नाटक और केरल, यानी तीन राज्य का सीमा लगेगा कर्नाटक और केरल से लगेगा, कर्नाटक और केरल से लगेगा, बिल्कुल याद रखना। पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? फर्स्ट पद्म भूषण अवार्ड, पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? जल्दी, तो पहला पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें, आप देख सकते हो 1954 में किसे क्या मिला है, बिल्कुल धुंधला दिखेगा लेकिन ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो मिल जाएगा, बिल्कुल समझना, ठीक है भाई? तो होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, जयचंद्र घोष, राधा कृष्ण गुप्ता, अमरनाथ झा, वीएल मेहता, ये देख सकते हो कि किसके लिए मिला है, ये किसके लिए मिला है 1954 में। अगर मैं अभी की बात करूं तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021, अब देखो सही है, अब देखो, अब सही हो गया, चलो देखो। तो 2021 में कितने लोगों को? 119 लोगों को मिला है, जिनमें से आप देखोगे तो 29 महिलाएं हैं, 29 कितने फीमेल है, 29 महिलाएं, ठीक है भाई, और 10 व्यक्ति विदेशी है, 10 व्यक्ति
विदेशी हैं। आगे देखो, भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है वो किस राज्य का है? तो आप हमेशा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो आठ क्लासिकल डांस है वो देख के जाना, जिनका भी एग्जाम होगा वो आठ क्लासिकल डांस देख के जाना। तो भरतनाट्यम किसका? तमिलनाडु, क्योंकि यहां तो मुझे याद होता है, यहां तो याद है, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल गड़बड़ कर बैठते हैं। तो तमिलनाडु, आठ क्लासिकल डांस बिल्कुल याद करके जाना, भूलना मत। याद है? जरा बता दो, याद है? कितने लोगों को याद है जरा बता दो कि सर मुझे याद है आठ क्लासिकल डांस, याद है? ठीक है भाई। तो भरतनाट्यम, जिसे पहले सधीरट्टम भी कहते हैं, नया नाम आपने देखा होगा, सधीरट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जो तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। आगे देखो, लापिंग गैस के बारे में पूछा है, N2O, लापिंग गैस N2O, जिसे निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं, निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में यूज करते हैं, दवा के रूप में यूज करते हैं N2O। दस कुमार चरित के लेखक कौन हैं? जल्दी, मुझे भी याद है, बहुत बढ़िया, जल्दी क्या होगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दंडी कौन है भाई, दंडी। दस कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी है। कौन है? दंडी है, बिल्कुल याद रखना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लेखक, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई। हेडक्वार्टर लोकेशन कहां? नई दिल्ली। प्रेसिडेंट औविक सरकार, और कौन है? औविक सरकार है। कौन है भाई? औविक सरकार है। कौन है? औविक सरकार है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, WWW का फाउंडर, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? जल्दी, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर, तो टीम बर्नर्स ली। अब जरा बताओ, माउस के डिस्कवरर या इन्वेंटर कहें, माउस का इन्वेंटर कौन है? डगलस एंजलबॉट ने माउस का आविष्कार किया है। तो टीम बर्नर्स ली ने 1989 में कहां पे, सर्न में काम करते हुए WWW की स्थापना की है, WWW की स्थापना की है, ठीक है। आगे देखो, INS सरदार पटेल या पहला INS कहां है? INS सरदार पटेल कहां है? जल्दी, INS सरदार पटेल कहां है? तो INS सरदार पटेल की बात करें, पोरबंदर, कहां? गुजरात, जहां गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो INS सरदार पटेल पोरबंदर गुजरात में भारतीय नौसेना का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है और नौसेना अधिकारी का मुख्यालय, बिल्कुल याद रखना, क्लियर, बातें समझ में आ रही है ना। आगे देखो, टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित नहीं है? तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने भाई? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना पड़ेगा 18। तो 18 पूछा है, लेकिन मुख्य रूप से 11 इंपॉर्टेंट क्यों 11 इंपॉर्टेंट है समझते हैं। भारत सरकार ने 18 भारत के बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना की है, जिनमें से 11 यूनेस्को एमबी सूची में है। कितने? 11 है, 11 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन देख सकते हो? तो आपको दिख रहा होगा, धुंधला, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी,
नीलगिरी। अब आप देख सकते हो कि लोकेशन ये कहाँ है, इसके लोकेशन भी आप देख सकते हो। फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिंपलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, अचान कमार जो अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, निकोबार कहाँ तो बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर, और अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तथा तमिलनाडु और खांचिनजोंगा सिक्किम में है। ये कुल 11 है, ये कुल 11 है। देखो भाई एक नेताजी आए हैं कृपाल सिंह राय, सब बच्चे एक बार डिसलाइक करो और फिर अचानक से लाइक कर देना, सर जी खुश हो जाएंगे। भाई मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्शन लीजिए मैं ऐसा ही खुश हो जाऊंगा, है ना। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, आप सिलेक्शन ले लो, मैं ऐसा ही खुश हूं, ठीक है। ये परेशान मत होना, ठीक ना भाई। इनमें से कौन सितार वादक नहीं है, तो सितार वादक पूछा भैया, सितार वादक पूछा है, सितार का इन्वेंटर किसने किया था, सितार और तबला। सितार और तबला की बात करें, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अब याद देखो, तो कौन सितार वादक नहीं है, ये समझते हैं कि सितार वादक क्या भारतीय वाद्य में से एक को सितार बजाने वाले को कहते हैं। सितार को भारत में भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव प्राप्त है, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, ठीक है भाई। तो भारत के प्रसिद्ध सितार वादक में से कौन कौन है देख सकते हो, पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान, सुजात खान और पंडित उमा शंकर मिश्रा, ये प्रमुख सितार वादक हैं, ये प्रमुख सितार वादक हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो अब देखो एक चीज याद रखना, 8 UT हैं, 8 UT हैं, अब 8 UT का जो स्टेट एनिमल, 8 UT का स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल एंड बर्ड, एंड बर्ड देख के जाना, स्टेट एनिमल एंड बर्ड देख के जाना, 8 UT का जिनका भी पेपर होगा, ठीक है। तो क्या है भाई, अंडमान उड पीजन कबूतर, जा देख लो कितने खूबसूरत कबूतर हैं, ये अंडमान का स्टेट बर्ड है, है ना। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, वेयर इज बुर्जिल पासिस, बुर्जिल दर्रा कहाँ, जल्दी। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में। अब एक ट्रिक देते हैं आपको, मजा ना आए तो कहना, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, बाजू का पानी, याद होगा कि मैंने एक श्रृंखला चलाई थी ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, जो आज चलता है 7 मिनट ट्रिक्स के नाम पे। तो आप देख सकते हो कि जम्मू और कश्मीर में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आप देख लो बुर्जिल यानी बा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, दैट मीन्स भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है, ये हो गया। दूसरा जो जिला जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ये हो गया। फिर आप देख लो का, जो काराकोरम दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है, यहां से चीन को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई है। और पीर पंजाल दर्रा, फिर बनिहाल दर्रा जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, जवाहर सुरंग किस पे है, तो बनिहाल दर्रे पे है, जवाहर सुरंग किस पे है, बनिहाल दर्रे पे है, क्लियर है, आई बात समझ में। आगे देखो, सूरत अधिवेशन कब हुआ, सूरत अधिवेशन कब हुआ, जल्दी। हाँ भैया अभी लद्दाख में है मेरे लाल, बिल्कुल जल्दी। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ, देखो कई बार पूछ रहा है ये, सूरत से प्यार हो गया इसे क्योंकि तापी नदी के किनारे है, या ताप्ती नदी के किनारे है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी,
घोष ने की थी, यहीं पे गरम दल एवं नरम दल अलग होते हैं, गरम दल और नरम दल अलग होते हैं। फिर एक पूछता है 1916 जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार करती हैं, अंबिका चरण मजुमदार करते हैं, जहां पर गरम दल नरम दल फिरा के मिल जाता है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया है, तो जो एम क्या है, लक्ष्य क्या है। सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना के पीरियड क्या होगी ये समझते हैं। तो जो 12वीं है ये लास्ट है, 12वीं लास्ट है, तो 2012 से 2017 ये 12वीं, अब घटाओ यानी 2007 से लेकर 2012 तो इसका पीरियड हो गया, 2007 से लेकर 12 तो इसका पीरियड हो गया। अरे बात है समझ में, दैट मीन्स रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट मीन्स कहता है कि तीव्र और समावेशी विकास, ये इसका एम था, ये इसका लक्ष्य था, ये इसका एम था, ये इसका लक्ष्य था। अब ये सोचो कि पंचवर्षीय योजना से दो सवाल पूछे गए हैं, फाइव ईयर प्लान से दो सवाल हैं, इसीलिए जिनका भी पेपर है फाइव ईयर प्लान और जनगणना देखकर जाना अच्छे तरीके से, जनगणना देखकर जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करेगा, तो भाई सिंपल सा है, यहां सिस्टम है, यहां पे यूजर है, इंटरफेस का काम कौन करेगा भाई, यूजर करेगा, कंप्यूटर तो करेगा नहीं भाई, कंप्यूटर को तो यूज करते हैं हम, तो क्या होगा, यानी यूजर करेगा, उपयोगकर्ता करेगा, उपयोगकर्ता करेगा, कौन करेगा, मॉडेम, भैया मॉडेम क्या करेगा। ठीक है भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके खिलाफ हुआ था, तो देख रहे हो जब से पेपर शुरू हुआ है 28 तारीख को, 28 तारीख से उस समय से जालियांवाला बाग, सूरत अधिवेशन, मतलब मॉडर्न इंडिया को टारगेट किया है, वो भी सेलेक्टेड, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री से इतने सवाल बनते हैं समझ नहीं आता सीटर क्या चाहता है आपके साथ। तो जालियांवाला कांड किसके विरुद्ध हुआ था जरा बता सकते हो क्या, किसके विरुद्ध हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो 1919 में पारित हुआ था, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून कहा गया, जिसे बिना अपील बिना दलील बिना वकील कानून कहा गया, ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। आई बात समझ में, ठीक है भाई। तो क्यों हुआ, क्योंकि जालियांवाला बाग नामक स्थान पर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के बाद कुछ लोग जमा हुए थे, जिसके कारण गोलियां चलानी पड़ी थी, है ना, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। विश्व की कौन सी संस्था हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से संबंधित है, कौन सी संस्था हेल्थ से रिलेटेड है बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो बच्चे, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका निर्माण 7 अप्रैल 1948 को किया जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, जिसका मुखिया कौन है, ट्रेडोस एडहोनम, ये इसके महानिदेशक हैं, ये इसके महानिदेशक हैं, है ना। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है, तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक एजेंसी बनाई जाती है जो महिलाएं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा, महिलाएं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो वो संस्था कौन है, यूनिसेफ है, कौन है बच्चे, यूनिसेफ है। दैट मीन्स इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में एंड कर गया, तो कहां किया गया, न्यूयॉर्क में, लेकिन हेडक्वार्टर कहां इसका, तो जिनेवा में है ना भाई, आई बात समझ में।
संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, लुडविक राजमन इसके। क्लियर है? एक मिनट बच्चे, माफी चाहेंगे यार, न्यूयॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर कहां? न्यूयॉर्क। आगे देखो, आईएलओ का मुख्यालय कहां है? जल्दी बता बच्चे, आईएलओ का मुख्यालय कहां है? तो आईएलओ का मुख्यालय की बात करें, ये जिनेवा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। इसकी स्थापना की गई अक्टूबर 1919 में राष्ट्र संघ के तहत, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। एक सवाल यह बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी अगर कोई है तो वो आईएलओ है, वो आई। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र की पहली और कोई सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है तो वो कौन है? आईएलओ है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। क्यों पुराना? क्योंकि इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई है, 11 अप्रैल 1919 को की गई है, बिल्कुल याद रखना। महानिदेशक कौन है? राइडर है। कौन है? राइडर है, ठीक है भाई। आगे देखो, पहली स्वदेशी सबमरीन कौन सी है? पहली स्वदेशी सबमरीन की बात करेंगे, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिहंत। तो अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो 26 जुलाई 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरसरन कौर द्वारा कारगिल युद्ध विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं कि वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। जी सैट किस प्रकार का सैटेलाइट है? जल्दी बता बच्चे, क्या होगा? जी सैट किस प्रकार का सैटेलाइट है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कैसा है? भू स्थिर उपग्रह, जो पृथ्वी से कितने ऊंचाई? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में पूरा करता है, बिल्कुल याद रखना, 36,000 किलोमीटर। क्लियर भाई, बातें समझ में आ रहा है? जियो सिंक्रोनस ना होगा, गलती हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उपग्रह भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित संचार उपग्रह है, जिनका उपयोग हम कहां करते हैं? तो डिजिटल ऑडियो, डेटा और वीडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। 5 दिसंबर 2018 तक इसरो के पास 20 जीसैट उपग्रह थे, जिनमें से 14 अभी भी काम कर रहा है। ये ठीक है भाई। आगे देखो, फोटॉन जो है वो लैंग्वेज किस जनरेशन की है? तो ये थर्ड जनरेशन है बच्चे, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, यानी कह सकते हो कि पहली पीढ़ी की भाषाएं जो थी वो बाइनरी डिजिट 0 और 1, जो सेकेंड जनरेशन की भाषा थी वो मशीन लैंग्वेज यानी असेंबली भाषाएं, और थर्ड जो है वो क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, चाहे वो फोटोन हो, कोबोल हो, बेसिक हो, पास्कल हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, है ना भाई, जावा हो, ये सब याद रखना, यही सब तो एग्जाम में छोड़ कर आते हो आप। अब ये देख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज है, थर्ड में प्रोक्यूडोर लैंग्वेज है, फोर्थ में एप्लीकेशन लैंग्वेज है, फिफ्थ में एआई टेक्नोलॉजी है, और सिक्स्थ में न्यूरल नेटवर्क की बात करता है, ये याद रखना, ठीक है।
क्लियर। आगे देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर कार्य करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर कार्य करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करें, ये किसके अंदर कार्य करेगा? तो भैया परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई, किसके अंदर? परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करेंगे, ये पीएमओ के अंदर कार्य करेगा। किसके अंदर? पीएमओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम के अंदर या पीएमओ के अंदर, है ना। हर राज्य और गांव में पानी की आपूर्ति के लिए 2005-22 में एक योजना शुरू की गई। वो योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गुजरात में शुरू की गई। कहां पे? गुजरात में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया बच्चे? 14 अगस्त 2020 को। 14 अगस्त 2020 को शुरू किया गया गुजरात ने विकेंद्रीकृत और मांग संचालित सामुदायिक पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम लागू किया, जो 2002 में जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन के माध्यम से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखना। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? देख लो, हिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल पूछे गए आज भी, हिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल पूछे गए, बिल्कुल याद रखना, हिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। तो होम रूल लीग की शुरुआत की बात करें, दो होम रूल लीग है, एक अप्रैल 1916 में और एक सितंबर 1916 में। ये तिलक का होम रूल लीग जो पुणे में है, केनी बेसन का जो पूरे भारत में है, मद्रास अडियार में बनता है ये, मद्रास अडियार में बनता है ये। ठीक है भाई, क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा है, बताओ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो सबसे पहले केरल में लागू किया गया, सबसे पहले केरल में लागू किया गया, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटों की रिकॉर्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो पूछा जाएगा कि ईवीएम में क्या क्या जुड़ा होता है, तो दो यूनिट है इसमें, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट, जो 5 मीटर केबल द्वारा जुड़ा होता है, है ना। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा हाईवे गुजरता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा हाईवे गुजरेगा भाई? नेशनल हाईवे 37। काजीरंगा किसलिए फेमस? वन हॉर्न राइनो, असम, वन हॉर्न राइनो असम, वन हॉर्न राइनो असम, याद रखना, किस लिए? असम के लिए, है ना भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? प्रधानमंत्री आवास योजना का, अच्छा, मैक्सिमम 64 मेंबर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले इंदिरा आवास योजना नाम था। अच्छा, बता सकते हो क्या इंदिरा आवास योजना किस प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, किस पीएम ने लॉन्च किया, जरा बताइए, देखें कितने लोगों को पता है, जल्दी बताओ बच्चे, समझना। इंदिरा आवास योजना, जो आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के नाम से जानते हैं, राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? तो 1985 में, 1985 में किसने? राजीव गांधी ने लॉन्च किया। आज मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया। क्यों लॉन्च किया गया था? कमजोर वर्ग के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाद में इसमें गैर एससी एसटी परिवारों को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, देखो भाई, एक बच्चा है, बच्चे का लैंग्वेज समझना, देखना कितने मृदुभाषु हैं, मृदुभाषु बिल्कुल मीठा बोलने वाला, नाम है शिवभान सिंह। यहां किसी को अंग्रेज नहीं बनना, हिंदी में ज्यादा भाषा का प्रयोग करो। जी सर, जो आज्ञा भैया, जैसा बोल दो आप सर, उसी के अनुसार बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भाई आप हैं तभी तो हम हैं, आप नहीं है तो हम नहीं है। ऐसे संस्कार कहां से आते पता है? घर से ही आते हैं। तो कम से कम ढंग से तो बात कर लिया करो मेरे लाल, है ना। टीचर बोलते हैं हम लोगों को, कोई दूसरा प्राणी टीचर बोलते हैं उसे, है ना। देखो आगे,
शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन अर्बन है ना। आगे देखो, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक यह पूछा था 1 फरवरी को, यह पूछा था 1 फरवरी को, अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया है, जल्दी भैया। शिवभान सिंह, मैंने कौन सा इंग्लिश बोल दिया बता दो जरा, नाम भी तो लिखे हो अपना, शिवभान सिंह। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया, जबकि ये रिटायरमेंट करते हैं टेस्ट में किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में, ठीक है भाई। तो बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के 114 रन उनका 49वां एक दिवसीय शतक और 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, टीवी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, टीवी का जनक किसे कहते हैं, जरा सेशन अच्छा लगता है जरा लाइक कर दिया करो यार, बताओ। जेल बेड, याद रखना कल 10 बजे भी क्लास है आपके अनअकैडमी पे, 10:05 पे, और 6 बजे भी यूट्यूब पे यहीं पे जुड़ेंगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े स्पेशल क्लास में। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा जो आप रोहित सर से उम्मीद करते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है या CBT1 हो गया है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, क्योंकि रेलवे का प्राइस बिल्कुल बहुत कम किया गया CBT2 और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए, मात्र 3600, एक 2 साल का, 1 साल का 3000 रुपया, ठीक है भाई। जैसे रेफरल कोड यूज करोगे ये कम होकर 10% कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ने के इच्छुक हैं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप हमारे साथ SSC जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि MTS, CHSL, CGL, JEE, CPO एक साथ कई सारे एग्जाम को हम टारगेट कर सकते हैं, है ना भाई। क्योंकि अगर मैं बात करूं SSC की फी की, तो 2 साल का 7800 है, 1 साल का 6500 है। इसमें आपको CET जो सरकार लागू करेगी सितंबर से, वो अभी से आप तैयारी कर लो, ठीक है बच्चे। ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड BA10 को लगाकर। अगर अब ये नंबर रख लेना एनालिसिस के लिए, जिनका भी पेपर होगा आप इस नंबर पे भेज सकते हो क्वेश्चन, ताकि सटीक जानकारी आपको मैं दे सकूं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चे कल फिर से शाम को 6 बजे इसी YouTube चैनल पे, wifistudy स्टूडियो चैनल पे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, जय हिंद।